गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सब कुछ अच्छा चल रहा है? उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। सुबह के 5 बजे हैं और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सुबह सुबह आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर के हम आते हैं, क्लास 10th के लिए, स्पेशली बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का है, दिल्ली बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट है, सबके लिए है ये मास्टर क्लास। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा नीचे एक्सरसाइज है बेटा, ये आपका 5.3 और ये कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर हम लोग आज करेंगे 11, 10 क्वेश्चन तक पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, आपने देखा बहुत अच्छे से समझ में सबको आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपनी बुक में खोल लो, एनसीईआरटी में। अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो पेज नंबर 125 है। कितना? पेज नंबर 125। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम यन पदों का योग 4n माइनस n का स्क्वायर है। क्वेश्चन फिर से पढ़ना। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम यन पदों का जो योग है वो 4n माइनस n का स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है? अभी मैं बताऊंगा s1 के बारे में, ठीक है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। कुल मिला के इनको पदों की मतलब पद निकालना है बस, यानी सारे फैक्टर अगर आपको मिल जाएं, जैसे a मिल जाए, n मिल जाए, जो है इसमें सब मिल जाए, an मिल जाए, तो आपको सारे पद निकालना बहुत आसान हो जाएगा, d भी मिल जाएगा। पहले तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे ये s1 क्या है ना। कह रहा प्रथम पद अर्थात s1 क्या है। आप लोग कहोगे कि गुरु जी तो प्रथम पद तो a1 होता है, तो फिर s1 कैसे बोल रहा है? एक एग्जाम्पल से पहले ये समझ लो कि a1 और s1 दोनों एक कैसे हैं। ये दोनों एक ही है कैसे? एक एग्जाम्पल से पहले आपको मैं समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे दिखाऊंगा। जरा यहाँ से समझो, स्क्रीन पे आओ सभी, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि मैंने एक सीरीज आपको दिया, वो सीरीज मान लो कि है 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट, ये एक सीरीज है। अब आप इसमें देखो अगर ध्यान से, तो आपका ये A1 है ना, ये पहला पद है, A2 है, ये A3 है, बोलो है ना। अगर मैं कहूँ कि इसके प्रथम दो पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या कहोगे बताओ, बोलो। अगर पहले दो पद का योगफल बोलेंगे तो बेटा S2 बराबर आप A1 प्लस A2 करोगे ना, बोलो करोगे ना। अगर मैं कहूं कि पहले एक पद का योगफल ज्ञात कीजिए, तो पहले एक पद का योगफल बराबर A1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, पहले एक पद का मतलब तो एक ही पद अकेले है ना। अगर मैं कहूं पहले तीन पद का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिखोगे? तो भैया आप लिखोगे S3 = A1 + A2 + A3। समझ में आया ना? तो इस तरह से बेटा जो S1 है वो A1 ही है, मतलब दोनों बराबर हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को तो बताना, नहीं कोई डाउट नहीं ना, चलो ठीक है। तो अब आपके मन से ये आशंका दूर हो गई कि S1 और A1 दोनों एक कैसे हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें जो दिया है हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान देना भाई, पंकज आपका कमेंट आ रहा है, नव्य आपका भी कमेंट आ रहा, मोहित, प्रियांशु, प्रिया सिंह, अर्जुन चौहान, लक्ष्य, विनीता, और कौन है, वर्तिका चौहान, सुरेंद्र, मनोज, वर्तिका, ये दूसरी नंबर की वर्तिका है। हाँ हाँ बबली, तुम्हारा भी कमेंट आ रहा। देखो कमेंट के पीछे ना पढ़ो यार, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं कमेंट नहीं देखूंगा। अच्छे से पढ़ो, नहीं समझ में आएगा, क्लास खत्म होगी तो बता देना। ये क्लास डेली सुबह होती है, सुबह कितना बजे से पता है आपको? ये क्लास डेली सुबह होती है, सुबह 5 बजे से। आपको सुबह 5 बजे वीडियो मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो टाइम लिखा गया था वो इंग्लिश की क्लास का टाइम है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा अलग टाइम दिख रहा हो अभी तक स्क्रीन पे। चलो तो अब हम इसके सलूशन पे चलते हैं। देखिए हमें दिया है, हिंदी मीडियम वाले लिख लो दिया है, इंग्लिश वाले लिख लो गिवन। तो बेटा SN इक्वल दिया है कि 4n - n का स्क्वायर है, ये दिया है। अब ध्यान देना, यहाँ पर n बराबर एक रखिए, n बराबर एक रखने पर देखना क्या क्या होता है। जब n बराबर एक रखेंगे बेटा तो S1 बराबर 4 × 1 - 1 का स्क्वायर,
यानी ये 4-1 कहने का मतलब कि जो यस वन आएगा बच्चा वो 3 आएगा, क्या आएगा, यस वन 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर यस वन 3 है इसका मतलब ए वन भी 3 है, यानी पहला पद 3 है। ठीक है, अभी इसको फिलहाल साइड में रख लो, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये ए वन है, यानी हमें इतना मिल गया, बहुत ही पुख्ता सबूत मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ ऐसे समझते जाओ, यस टू निकालेंगे, एन बराबर 2 रखने पर, समझना हमें क्या निकालना है, हमें तो दसवां पद निकालना है कह रहा था क्वेश्चन। एक बार फिर से देखो स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है, हमें दसवां पद निकालना है, एनवां पद निकालना है, प्रथम दो पदों का योग भी निकालना है, पहला पद भी निकालना है। तो पहला पद तो आ गया, प्रथम दो पदों का योग तब निकलेगा जब हमें दोनों पद मालूम होंगे तब। तो 2 रख के देखो, 2 रखेंगे भैया, इसमें देखो ध्यान देना, 4 × 2 और -2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है पता है आपको? वो ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले तो आप सूत्र लिखो तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप सूत्र लिखो, ये सब बाद में रखना, ध्यान दो पहले। अगर हम इस फार्मूले पे बात करें, यस एन बराबर 4n - n का स्क्वायर, ये दिया है फिलहाल, फार्मूला समझो कुछ भी समझो। तो देखो बच्चा, यहाँ से एक चीज़ आप समझते चलो कि अगर हम 2 निकालेंगे, 2 जैसे यस 2 अगर मैं बोलूँ, ध्यान देना, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ तो 2 हो जाएगा। आप कहोगे अभी तो यही रखे थे मिटा दिए काहे लिए, बता रहा हूँ यस 2 अगर हम निकालें, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में चर्चा किया था आपने देखा होगा, तो भैया यस 2 की जगह पे बेटा हम ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, a1 + a2, बताना नहीं लिख सकता हूँ, बता देना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई। अगर दो पदों का योगफल निकालेंगे, प्रथम दो पदों का योगफल, तो पहला दूसरा पद जोड़ के कर सकते हैं ना, और हमें पहला पद का मान 3 दिया है, तो ये रख देंगे, ये घटाएंगे 4 आएगा। यहाँ से आपका क्या समझ में आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है फिर चला जाता है, आप ध्यान देना। ये 3 इधर जाएगा बेटा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका a2 = 1 आएगा। अब ध्यान देना, पहला पद हमें मिल गया, दूसरा पद मिल गया, तीसरा पद हम अपने आराम से, अपने से मतलब प्यार से निकाल सकते हैं, इसमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, ध्यान दीजिए, इसे लिख लीजिए, इतना पहले इतना करेंगे जो मैं बताया था स्टार्टिंग में, समझाया था उसको करने के बाद इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर नीचे आप लिखेंगे अतः श्रेणी बराबर, श्रेणी क्या बन रही है भैया, देखो पहला पद 3 आया बाबू, हाँ उसके बाद अगला पद 1 आया है। आप यहाँ से ध्यान दो, अगर श्रेणी बन रही थी 2-2 घट रहा है, तो अगर 3 से 2 घटाया तो 1 आया, 1 से 2 घटाओगे बेटा तो -1 आएगा, घटा के देख लो, 1 से अगर 2 घटाओगे ऐसे तो -1 आएगा, और -1 से जब फिर से -2 घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और कितना घटाना है, 2 घटाना है, प्लस का 2 घटाना है, तो -3 आएगा, यानी ये कम होता जा रहा है, ध्यान देना, -3 आया, फिर -5 आएगा, ऐसे ऐसे क्या बनेगी, एक सीरीज बन जाएगी। लेकिन हमें करना क्या था, कह रहा था क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, इतना करने के बाद क्वेश्चन को बार बार देखते चलिए, फिर से देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, बाकी चीज़ें बाद में देख लेना। क्वेश्चन देखो, कह रहा यदि किसी ए पी के प्रथम एन पदों का योगफल 4n - n का स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात यस वन क्या है, वो मैंने निकाल दिया, देख लो 3 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए, बड़े प्यार से कर लो प्रथम दो पदों का योग, ये मिल गया है, हाँ 4 हो जाएगा, अभी दिखा देता हूँ। इसी प्रकार कह रहा है कि 10वें और 9वें पद का योग ज्ञात कीजिए, चलिए वो भी कर देता हूँ, इमेज में हटा रहा हूँ, समझो। अब लिखो आप लोग, आता है यस टू बराबर, इतना कर लो फिर मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझो, पहले ये लिखना यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना, फिर ये श्रेणी लिखना, और फिर ये जो मैं लिखने चल रहा हूँ इसको लिखना। देखो बेटा, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, हमारी पूरी जिम्मेदारी है, नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे तो फिर आप अपने भविष्य के निर्माता खुद ही हो। ठीक है, चलो आता है
यस टू बराबर ए वन धन ए टू। तो बेटा ए वन तीन आया था, ए टू वन आया था, इक्वल फोर आ गया, यानी जो यस टू आया वो क्या आया, चार आ गया। और क्या कह रहा था, कह रहा था कि दसवें पद का योगफल ज्ञात कीजिए, पूछ रहा था ना। हाँ तो चलो वो भी निकाल लेते हैं, कितना हो गया। चलिए देखिए, अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे, साथ साथ में लिखते चलेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बस, जैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा हो जाए वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो मैं सब बताता हूँ कि ये कौन सा स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, फिर भी आप लोग करा करो। हाँ चलो, अब ए टेन निकालेंगे बेटा। क्या कह रहा था, इसके दसवें और यनवें पद का योगफल ज्ञात कीजिए। तो लिखो, आता है ए टेन इक्वल, आपको पता है ये सूत्र होता है ना भैया, यहाँ फार्मूला देखना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बचपन से ये सूत्र पढ़ते आए हो ना, तो इसी सूत्र पे आप लोग आगे बढ़ोगे। यहाँ पे मैं ये फार्मूले रख देता हूँ सीधा सीधा, पहले ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह पे दस रख देंगे तो ए टेन हो जाएगा। यहाँ पर बेटा ध्यान देना, प्रथम पद जो ए का मान आया था अभी क्या आया था, तीन आया था ना, तीन आया था, रखो एन का मान दस रख रहे हैं, ठीक है। डी का मान, डी का मान दो आया था, आप सबको पता है वो भी माइनस में दो आया था, क्यों उल्टा जा रहा था तो माइनस में दो आया था ना, है ना भैया, तो माइनस में दो आया था। तो ये तीन धन ये नौ और दो मल्टीपल करोगे माइनस का अठारह, क्लियर। तो ये माइनस का पंद्रह आ जाएगा, आपको पता है जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी जो ए टेन है वो पंद्रह आ गया। ये भी तो आपसे पूछा था ना, अब सिर्फ एक बचा है, ध्यान देना सिर्फ एक बचा है बेटा। स्क्रीन पे एक बार क्वेश्चन पे फिर से आ जाओ, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, कुछ सेकंड में फिर से हटा दूंगा। क्वेश्चन कह रहा था, देखो नीचे लाइन में, इसके इसी प्रकार तीसरे दसवें और यनवें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद तो मैंने निकाल ही दिया था, अभी तुमने देखा था सीरीज में, पहला पद तीन आया था, दूसरा पद वन आया था, हाँ मतलब दो दो घट रहा है ना, माइनस दो हो रहा है ना। अगला पद क्या आया था भाई, वन आया था, वन से जो माइनस दो घटाओगे तो क्या आएगा, घटा के देख लो, घटा के देख लो, हाँ माइनस वन आया था ना, ठीक है। तो ऐसे आपका दसवां आ गया, अब अगला निकाल लो। अगला, जिनको श्रेणी के बारे में कन्फ्यूजन है उन्हें मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, इधर ध्यान दो आप लोग। देखो बच्चा, जैसे आप सबको पता है कि अभी मैंने पहला पद निकाला था, वो सबने देखा था, पहला पद तीन आया था, ए वन का मान ना, एस वन ए वन देखे थे ना शुरू में, उसके बाद अगला पद बेटा वन आया था ना। अब इसके अगला पद कैसे निकालेंगे, पता है आपको, जो प्रथम पद होता है यानी तीन, उसमें जो सर्वांतर होता है उसको जोड़ दिया जाता है, तो वन से थ्री घटाओगे, जो सर्वांतर निकालोगे आप डी का मान जो शुरू से पढ़ते आए हो, तो बेटा माइनस का दो आएगा। तो इसमें जब माइनस का दो हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है, पता है कि नहीं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, हमें वन तो दिया है ना, इसके आगे वाला पद निकालना है, तो हम जो जोड़ेंगे वन में जोड़ेंगे, ठीक है। अब इस तरह से वन माइनस टू होगा माइनस वन, यानी हमारा अगला पद माइनस वन आएगा। इसके अगला पद भी निकालना है तो, लेकिन हमसे तीसरा पद ही पूछा था, स्क्रीन पे देखो लिखा है ना तीसरा पद, तो तीसरा पद माइनस वन। अगला पद भी निकालना है तो माइनस वन में क्या करोगे, माइनस वन में आप अगला जोड़ोगे क्या, माइनस का दो, तो माइनस वन और माइनस दो बराबर माइनस तीन आएगा। तो चौथा पद भी बोलेगा तो चौथा पद माइनस तीन क्या आएगा, चौथा पद माइनस तीन। पांचवा पद बोलेगा इसमें से फिर माइनस दो आप जोड़ दो, घटता चला जाएगा, ठीक है। चलो अब लास्ट वाला ए एन निकाल लो इसी जगह पे, मैं अभी हट जाता हूँ दो सेकंड, आप स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहो, चलो इसको फट से हो गया, चलो ठीक है। अब देखो इसमें हम ए एन का मान निकाल देंगे, थोड़ा सा आपको समझाने में हमें पता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी है, इस बात को भी आपके दिमाग में ख्याल रहना चाहिए कि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलझाया हुआ क्वेश्चन है। चलो आप क्या करना है, अब इसमें कह रहा था इसी प्रकार यनवें पद ज्ञात कीजिए, यनवें पद आपको निकालना है, ध्यान देना
क्वेश्चन देख लो ध्यान से फिर से। चलो लिखो, एन वे पद निकालो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें ए एन का मान देखो बेटा दिया था क्या? नहीं, ए एन का मान हमें नहीं दिया था। मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, स्क्रीन से डिस्टर्ब कर रहा है। ए एन का मान हमें नहीं दिया था, हमें यही निकालना है। ए का मान तीन आया था, एन का मान आपको पता है कि दिया है क्या? नहीं दिया, हमें यनवा पद ही तो निकालना है। एन का मान हमें कहीं नहीं दिया यहाँ पर। टी का मान दिया था माइनस का दो, इतने में कोई डाउट नहीं। तो तीन प्लस इसका गुणा करोगे इसमें तो माइनस का दो एन आएगा। कोई किसी को संदेह है तो बता दो। इसमें मल्टीपल करोगे माइनस का दो एन आएगा और ये प्लस का दो आएगा। ब्रेकेट खुलेगा तो ये पाँच हो जाएगा बेटा, और माइनस का दो एन यानी ए एन का जो मान है वो फाइव माइनस टू एन आएगा। इसमें किसी को कोई संदेह है तो बता दीजिए। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपके मन में कोई डाउट बच रहा है तो आप बताइए, अगर आप कहें तो हम अगला क्वेश्चन भी बता दें। लेकिन आप लोग ज़्यादा बड़ी क्लास देखते नहीं हो, ठीक है? तो फिलहाल आप इस क्लास को देखो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्लास का टाइम सुबह 5 बजे, अगर ये बच्चे हज़ारों में आ जाए ना तो देखो मैं 2 घंटे पढ़ा दूँ, लेकिन बच्चे आप लोग नहीं लाते हो। क्लियर? मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू। क्लास को लाइक और शेयर करके जाना बाबूजी, जिससे अगली क्लास टाइम से मिले। हाँ।